अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मैथ नाइन्थ एक्सरसाइज नंबर 1/6 क्वेश्चन नंबर 2। यूज़ मैट्रिक्स इफ पॉसिबल, मैट्रिक्स को यूज़ करना है अगर वो पॉसिबल है, मुमकिन है, तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड के जरिए आपने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 2y होगा इज इक्वल टू 3, और इसकी दूसरी इक्वेशन है 6x + 5y। इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। हमने इसको सॉल्व करना है बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहले सबसे पहले इसको हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, 2, 6, 1, 5 (x, y) = 3, 1। कैसे? पहले हमने सिर्फ हिस्से लिखे हैं, उसके बाद x और y लिखा है। अगर मल्टीप्लाई वापस करें ये चीज बनेंगे, x इस साथ y दूसरी रकम के साथ आ जाएगा और इज इक्वल टू 3, 1, क्योंकि ये इक्वल टू है, इसको 3, 1 लिया है। अब इनके हम नेमिंग करेंगे, नाम रखेंगे। अगर इसको a ले लिया जाए, इसको x ले लिया जाए, बराबर ये b। अब ये a है, a को a के इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई a इनवर्स, आगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अगर इस साइड पे भी a इनवर्स है मल्टीप्लाई हुआ है, इस साइड पे भी a इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। जब a इनवर्स हो जाते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं, पीछे रह जाएगा सिर्फ x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब इसको आगे लेके चलेंगे, सबसे पहले हम a इनवर्स को सॉल्व करेंगे। a इनवर्स सॉल्व करने से पहले पहले हम ये चेक तो करें पॉसिबल है या नहीं। तो हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमें पता चलेगा क्या ये मुमकिन है या नहीं है। a 2, 1, 6, 5 ए का डिटर्मिनेंट 2 × 5 = 6 × 1, ए 10 - 6 ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, दादा ये पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि ये नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है। इससे आगे हम चलेंगे, क्या करना है, x इक्वल टू a इनवर्स b है, इससे पहले हम a इनवर्स बना लेते हैं। फार्मूला एडजॉइंट a बाई a का डिटर्मिनेंट, पहले हम a का एडजॉइंट बनाएंगे। एडजॉइंट क्या है, इनकी जगह बदलेंगे, इनके निशान, और नीचे a का डिटर्मिनेंट जो आपके पास आ चुका है वो लिखेंगे, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 × 5 - 1 - 6 = 2। ये हमारा a इनवर्स आ चुका है। अब दोबारा फार्मूले की तरफ चलते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b था, x इज इक्वल टू a इनवर्स का आंसर 5 - 1 - 6 = 2। x इज इक्वल टू, अब b का आगे डिटरमिनेंट लिखना है, b का डिटरमिनेंट है 3 और 1। अब इनको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 5 - 6 × 3 + + - 1 × 2 × 1 = 1 x = 1/4 5 × 3 = 15 - 1 - 18 = 2 x = 1/4 15 में से 1
14, 18 में 2, 16 माइनस का 16, x इज इक्वल टू, अब 4 सब के डिवाइड में करेंगे, 14/4 माइनस 16/4, x इज इक्वल टू 2 × 2 = 7/7/2 माइनस 4। यहाँ पे x का वापस वही पैटर्न लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 7/2 − 4 मैट्रिक्स मैट्रिक्स से एक्स में कट गया, x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू -4। इस तरह इसके आंसर आ जाएंगे। अगर दोबारा इसको रिवाइज किया जाए तो क्वेश्चन आपने मैट्रिक्स सॉल्व करने हैं इनवर ये मैथड से। दो इक्वेशन है हमारे पास, इनको पहले हमने कॉलमी शक्ल में लिखा है, 2, 6, 1 - 5 हमने लिख दिए, फिर x और y लिख दिए, उसके बाद बराबर ये दूसरा कॉलम आपका आ गया। उसके बाद नाम रखे हैं, इसका मैंने नाम a रख लिया है, इसका नाम x, बराबर इसका नाम b। अब a को उसके ही इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, उधर वाला इनवर्स a इनवर्स से मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाता है, यानी 1 आ जाता है, पीछे आ जाएगा x बराबर आएगा a इनवर्स b। पहले हम इसको टेस्ट करने के लिए क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट हमारा 0 से बड़ा आ गया, लिहाजा ये पॉसिबल है। a इनवर्स बराबर कट जाए a बाई a, पहले डिटर्मिनेंट आया यहाँ तक आए, फिर b का मैट्रिक्स लिखा के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, और उसके बाद x की वैल्यू वही x बाय पुट कर दें और इसका आंसर यही होगा, कॉलम कॉलम से काट दें, ऊपर वाला x के बराबर आ जाएगा और नीचे वाला y के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप इसको मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह।